हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड दिस हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी किसने बोला यहाँ दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही, एक ही ये रही। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, x और y निकालो और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू भी निकालनी है कब, जहां पे y = mx + 3 है। तो हम क्या करेंगे, देखो सुनो, पहले तो इन दोनों के सॉल्व करो, एक्स वाई निकालेंगे, वो वैल्यू जो आएंगी ना एक्स और वाई की, वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा एम आ जाएगा। सबसे पहले सॉल्व करते हैं दोनों को, 2x + 3y = 11, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी कौन सी है, 2x - 4y = - 24, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपको जोन सी बीजी लगे वाली चूज कर लो। मान लो मैं फर्स्ट चूज कर लेता हूँ, स्टेप वन, ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने पिक करी, क्या है 2x + 3y = 11, इक्वेशन फर्स्ट को चूज किया मैंने। तो इसमें या तो x निकाल लो या y निकाल लो, कोई सा एक वेरिएबल निकाल लो। क्यों ना मैं एक काम ना करूं, देखो मैंने फर्स्ट पिक किया है और देखो 2x और यहाँ पे 2x दोनों सेम है, मैं 2x ही निकाल लेता हूँ ताकि 2x वैल्यू यहाँ रख दो सीधा, ना ही कोई डिवाइड का चक्कर पड़ेगा। तो मैं 2x की वैल्यू निकालता हूँ, कितना आएगा 11 - 3y, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब ये वैल्यू इसे पुट कर दूंगा पुट इन इक्वेशन कौन से में, पुट इन इक्वेशन सेकंड में, तो ये क्या लाएगा मेरा स्टेप अब सेकंड वाला, कि मैं इस 2x की वैल्यू पूरे 2x की वैल्यू रखूंगा पूरा, वो डिवाइड में ले जा रहा है, ऐसे रख दूंगा पूरा पूरा सेम रख दो यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 11 - 3y हो गया यहाँ पे, और माइनस का कितना है 4y इज इक्वल टू कितना, माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस, तो 11 - 4 और 3 7 9 हो गए, और उधर क्या आ गया माइनस का 24, बोलो ठीक है। अब 11 को भेजूंगा मैं उधर, प्लस का उधर गया तो माइनस का, ये आएगा उधर माइनस का 11, अब माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, प्लस होके देखना 35, मगर साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है मगर साइन कैसा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, डिवाइड में, माइनस 35 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस में 7 से गया 5 बारी में, 7 5 से 35, तो मेरा वाई आ गया। अब मैं वाई की वैल्यू रख दूंगा कहां पे, इसी में रख दे थर्ड वाले में, ये रखना चाहो तो आप फर्स्ट सेकंड किसी में रख दो। तो अगला स्टेप स्टार्ट हो रहा है मेरा, स्टेप थर्ड, उसमें क्या बोलेंगे हम, वाई इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन कौन से में, हम करते हैं इसे कौन से में पुट, थर्ड वाले में, तो वी गेट, तो रख दो, तो 2x इज इक्वल टू 11 - 3, वाई कितना, देखो वाई की जगह रखना है 3 इंटू वाई कितना 5, यही है मेरा, देखो 2x इज इक्वल टू 11 - 3 इंटू वाई, वाई की जगह रख दिया। अब सॉल्व करो, बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस, और बड़ा ये है तो माइनस का साइन, क्योंकि 15 में से क्या लगे 4, मगर बिग ये है तो माइनस का साइन। अब यहाँ चल रहा है 2x, 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में भेज दो, माइनस 4 अपॉन 2, 2 से कट हो गया, तो x कितना आ गया माइनस का 2, मेरी x की वैल्यू भी आ चुकी है, मेरी y की वैल्यू भी आ चुकी है, दोनों आ चुकी है, तो आधा क्वेश्चन हो गया सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व कर दिया। अब बोला है कि m और निकालो, क्या निकालो, m और निकालना है, उसके लिए मुझे अलग से एक और इक्वेशन दे रखी है, y = mx + 3, ठीक है, तो निकाल देते हैं इसे भी। तो देखो y = mx + 3 वैल्यू रखो यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी आई है 5, m into x वैल्यू कितनी है माइनस 2 प्लस 3, बोलो ठीक। अच्छा अब आगे देखो, अगर मैं प्लस का 3 इधर लिया तो माइनस का ना हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 में 3 के 2 बचे माइनस 2m, अब 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहां से मेरा ये आ जाएगा डिवाइड में नीचे, तो 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू m, 2 से कैंसिल होगा 2 1 जा 2, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि m की वैल्यू हो गई माइनस 1, तो हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 26 है, और इसने बोला एक नंबर जो 3 गुना है किसका, दूसरे का, फाइंड द नंबर, फाइंड द मैं सॉरी फाइंड द नंबर है फाइंड दम, जो भी सेम है। तो देखो इजी तरीके से करेंगे फटाफट, यहां पे दो नंबरों की बात हो रही है, लेट कर लो दो नंबर, लेट टू नंबर विल बी एक्स एंड वाई। अब देखो जो क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो बनाएंगे क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन सुनते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों का डिफरेंस मतलब घटाना, कितना है 26, इन दोनों को घटाओ माइनस करो कितना आएगा 26। ठीक, ये हो गई आपकी फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब बोला एक नंबर जो है ना उसमें वो 3 टाइम्स है किसका, दूसरे का। ठीक है, मगर एक चीज नोटिस करना, आप गलती मत कर देना, देखो बता रहा हूँ। जब आपने x में से y घटाया तो बड़ा नंबर कौन सा होगा इसमें से, x होगा, ये ध्यान रखना, x क्या होगा बड़ा, तभी तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी कि x आपके लिए बिग है। तो उसने जो एक नंबर बोला ना, एक नंबर दूसरे का क्या है 3 गुना है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है, तो एक नंबर जो होगा दोबारा 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 का मतलब, तो एक नंबर जो है एक्स वो दूसरे का, दूसरा कौन है मेरा वाई, उसका 3 गुना है, आपको x इक्वल टू 3y लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे पहले जो लिखा है ना वो यहाँ पे चलेगा पहले, क्योंकि बड़े में छोटा घटाओगे तो ये नंबर बड़ा होगा, तो जब भी तो बड़ा नंबर छोटे का 3 गुना होगा। ठीक, ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपको x की वैल्यू मिल गया 3y, इसे मैं पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करोगे, x इक्वल टू 3y पुट कर दो इसे, इसमें रखते हैं फर्स्ट में। चलो पूरी क्वेश्चन उतारो फर्स्ट वाली, जहां पे एक्स मारे तो 3y, 3y में से 1y गए तो कितने बचेंगे 2y, अब 2 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड में, 26 को 2 से काटो कितना आएगा 13, तो y कितना आ गया 13। ठीक, y आ चुका है, y की वैल्यू कहां रख दो सेकंड वाले में, यहां रख दो, फटाफट एक्स आ जाएगा। ये होगा मेरा स्टेप, स्टेप तो मैं लिखी नहीं, छोड़ो बिना स्टेप कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट तो x इक्वल टू कितना यहां पे 3 इंटू वाई, तो x है मेरा 3 इंटू 13, 13 3 जा 39, तो x आ गया मेरा कितना 39, तो दोनों आंसर आ चुके हैं। ठीक, आप चाहो तो आंसर को चेक भी कर सकते हो, देखो कैसे, इनमें से कोई सी क्वेश्चन में दोनों वैल्यू रख के देख लो, इसमें रखो मान लो फर्स्ट में रखता हूँ, ये दोनों वैल्यू जो मेरी आई है, चेक करना अगर आंसर क्या है मेरी क्वेश्चन, x माइनस वाई बराबर 26, x कितना है 39 माइनस वाई कितना 13 है, देखो इसे माइनस करोगे 26 बराबर 26 हो गया ना वेरीफाई, दूसरे क्वेश्चन से भी कर सकते हो वेरीफाई, सभी क्वेश्चन में कर सकते हो आप वेरीफाई, वो क्या है x इक्वल टू 3y, x कितना है आपका 39 था, देख लो 3 इंटू y कितना है आपका, y आया आपको 13, 13 दर्जा 39 और ये भी 39, तो वेरिफिकेशन हो गया, मगर आपको तो वेरिफिकेशन नहीं करना, समझा दिया मैंने मगर ये नहीं करना। ठीक, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसमें द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है, लार्जर एंगल वो एक्सट्रीम मतलब ज्यादा होता है, एक्सट्रीम मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा है छोटे वाले से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो करते हैं लो, तो दो एंगल मान लेते, पहले सप्लीमेंट्री एंगल पता कैसे बोलते हैं, अभी बताता हूं, सबसे पहले लेट लेते हैं, लेट टू एंगल्स विल बी होंगे, क्या होंगे, एक को एक्स मान लो एक को वाई मान लो। ठीक, इसने बोला है इन दोनों एंगल में जो बड़ा एंगल होगा, किसी एक को बड़ा मान लो, मान लो एक्स वाला एंगल बिग है, ठीक, तो जो बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहे हैं, जो बिग एंगल है, बिग एंगल एक्स है, वो जो बिग एंगल है वो एक्स मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा है छोटे वाले से, कितना ज्यादा 18 है, छोटा ये वाई हो गया, तो बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा है, 18 मोर है। ठीक, ये हो गया मेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरी क्वेश्चन कैसे बनाऊं, एक बार सोचो, जब दो वेरिएबल निकालने हो तो मुझे दो ही क्वेश्चन चाहिए, तीन वेरिएबल फाइंड करने तो तीन ही क्वेश्चन चाहिए, एक वेरिएबल फाइंड करने तो एक ही क्वेश्चन चाहिए, और यहाँ तो एक ही क्वेश्चन बनी और वेरिएबल कितने दो, सॉल्व भी नहीं होगा, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल है, वो कैसे एंगल है पता किसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, एक्स एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है सप्लीमेंट एंगल, जिन दो एंगलों का सम क्या आ जाए 180 आ जाए, उन्हें बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो। दूसरी क्वेश्चन ये बन गई मेरी, आपको खुद सोचना पड़ेगा, अगर मान लो यहां लिखा हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगलों का सम कितना आ जाए 90 आ जाए। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है मुझे y प्लस 18, ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, कर दो x इक्वल टू y प्लस 18 पुट इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट रख दो जहां पे है, तो y प्लस 18 यहां पे रख दो यहां पे, तो y प्लस 18 प्लस का y बराबर 180, तो y y कितने हो गए, दो y ना हो गए, प्लस का 18 है ये, और 18 अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 180 में से 18 माइनस, कितने बचेंगे 162, ठीक। अब 2 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ, तो इसे डिवाइड करो, दो से कितना आ गया वाई आ गया मेरा 81, एक एंगल आ चुका है। अब आपको निकालना दूसरा एंगल, दूसरे एंगल के लिए वैल्यू यहां रख दो इस वाले में, फर्स्ट में, सेकंड में रख दो, जिसमें मन करे उसमें रख दो जो आपको इजी लगे। y इज इक्वल टू कितना है 81, इसे पुट कर दो कौन सी क्वेश्चन में, मैं रख रहा हूँ फर्स्ट में क्योंकि उसमें मुझे सीधा मिलेगा फटाफट। कितना है देखो फर्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू y प्लस 18 यहाँ पे रख दो, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 9, और 8 और 1 9 99, तो मेरा x भी आ गया और मेरा y भी आ गया, x एरा y एरा, और दोनों एंगल कैसे थे सप्लीमेंट्री, यानी कि अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं देखो 180 आना चाहिए ना, करके देखते हैं 99 में जोड़ो कितना 81, देखो 0 180 आ रहा है, वेरीफाई भी हो गया, ठीक। तो थर्ड का सेकंड पार्ट डन, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम का एक कोच है, बाय 7 बैट, उसने 7 बैट खरीदे हैं, 6 बॉल, बाय माने तो खरीदना, 7 बैट और 6 बॉल, कितने रुपए में खरीदे हैं 3800, पहले इतना ही करते हैं, पहले इतना ही करेंगे जितना पढ़ा है मैंने, तो देखो लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, वहां पे बैट और बॉल को बाय करने की बात हो रही है, बाय करने वाला खरीदना है, उसका बाइंग प्राइस मान लेंगे, सीपी मान लेंगे, कितने पे खरीदा है, लेट प्राइस ऑफ बैट, मान लो बैट है एक्स रुपए का, प्राइस ऑफ वन बैट, ऐसे ही प्राइस ऑफ दूसरा क्या है हमारा बॉल, वन बॉल, एक बॉल का प्राइस मान लो वाई रुपए है, बैट है एक्स रुपए का, बॉल है वाई रुपए की, तो मान लो अगर एक बैट 100 रुपए का आता है तो 3 बैट कितने का आएंगे 3 × 100, तो ऐसे अगर एक बैट एक्स रुपए का आता है तो 7 बैट कितने का आएंगे 7 × x, तब जाके पूरे बैट के पैसे बनेंगे, और ऐसे अगर एक बॉल वाई रुपए की है तो 6 बॉल कितने की होंगी 6 × y, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तब जाके पूरे पैसे बनेंगे, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, उसने बोला है 7 तो बैट है तो 7 × x, और 6 बॉल है 6 × y, इक्वल टू कितना है 3800, तो मेरा हो गया 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और आप इसको फर्स्ट ना मान के यहां से xy निकाल ही लो क्योंकि दूसरे में पुट कर देंगे हम, जल्दी हो जाएगा। मान लो मैं यहां पर निकाल लेता हूं, क्या x निकाल लेता हूं, लो तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का अभी मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, ये 7 यहां से हटके 7 आ जाएगा यहां से हटके डिवाइड में, ये हो गई इक्वेशन आपकी थर्ड, ठीक। अब मैंने क्वेश्चन यहां तक पढ़ा था, अभी अब पढ़ते हैं आगे, लेटर माने, अब देखो यहाँ क्या लिखा, लेटर लेटर माने बाद में, बाद में शी, सी मतलब फीमेल है, सी बाइस 3 बैट्स, 3 बैट खरीदे हैं और 5 बॉल और खरीदी है, तब उसे कितने पैसे देने पड़े, कितने, तो अब मैं करता हूँ आगे फिर से आपकी बार, देखो कितने बैट है 3 बैट है, एक बैट अगर एक्स रुपए का तो 3 बैट 3x, और एक बॉल वाई रुपए की तो 5 बॉल 5y, दोनों को जोड़ेंगे फिर तब आएगा इतना। दोबारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना 1750, आपके पास x की वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पुट कर दो, 3 × x कितना है देखो 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक। अब देखो 3 की इंटू इसमें होगी फिर 3 की इंटू इसमें होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, तो 0 0 3 के अगर मैं 8 में इंटू करूंगा तो कितना आएगा 8 × 3 = 24, 2 कैरी 3 × 3 = 9 × 2 = 11, और 3 के 6 में इंटू करेंगे तो इस वाले में 18, नीचे है 7 यहाँ पे है 5y और इधर है 1750, बोलो ठीक। अब मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम 7 और 1 का,
सेवन और वन का एलसीएम क्या आएगा, सेवन। ये सेम क्योंकि यहां तो सेवन है, ये भी सेम क्योंकि इसके नीचे भी क्या है, सेवन है, मगर यहां सेवन नहीं है तो वन को सेवन बनाने के लिए ऊपर हो जाएगी सेवन से इंटू, तो सेवन की फाइव में इंटू करोगे तो कितना आएगा, थर्टी फाइव इक्वल टू 1750। बोलो ठीक। अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ठीक है, मगर बड़ा कौन है 35 तो प्लस का ही आएगा, 35 में से 18 जाएंगे तो 17 बचेंगे, और वाई ऐसा का ऐसी नीचे 7 इक्वल टू 1750। ठीक। अब देखो अब कुछ सॉल्व होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसमें वाई है इसमें वाई नहीं है तो ये दोनों ऐड तो होंगे नहीं, तो आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस पूरे किंटो की, वन में तो सेम रहेगा और इस किंटो की सेवन में, तो करना जीरो सेवन फाइव थर्टी फाइव फाइव थ्री कैरी सेवन सेवन जाओ 49 और थ्री कितने हो गए, 49 और थ्री हो जाएंगे हमारे 52, तो फाइव कैरी सेवन सेवन और फाइव 12 12250। ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, वेरिएबल सिर्फ अकेला ये है तो नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो मेरा 17y यहीं पर रहेगा और इसको तो ले जाकर माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दो सीधा ही, चलो लिख देता हूं 12250 में से माइनस करना कितना 11400, माइनस करना कितना आ रहा है 12250 में से 11400, तो 0 5 12 में से 4 गए 8 850 आया, कितना 850 तो माइनस हो गया है 850, तो यहाँ पे 17y 17 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड करो 7 का टेबल आता है क्या, करो टेबल तो आती नहीं है, टेबल याद होनी चाहिए मैथ के लिए, 17 5 85 5 और 0 तो यानी कि y आ गया 50, और y अगर 50 आ गया, y मैंने माना कैसे था, बॉल, तो मेरी एक बॉल की कीमत कितनी है, 50 रुपए की बॉल है, ठीक है 50 रुपीज की बॉल, मेरे को बॉल तो मिल गई, अब मुझे क्या निकालना है, बैट का प्राइस निकालना है, बैट का प्राइस के लिए मैं वाई का रखूंगा यहां पर, ठीक। तो आगे करता हूं, वाई इज इक्वल टू 50 पुट इन इक्वेशन कौन से में, फर्स्ट में वी गेट, तो मैं यहां पे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं इसे, तो x इज इक्वल टू कितना है 3800 माइनस 6 इंटू वाई कितना है मेरा, वाई है मेरा 50, तो यहाँ 50 रख दो, अपॉन में कितना है 7। अब देखो 650 की 6 में इंटू करेंगे तो 300 पहले इंटू करेंगे बोर्ड मास 3800 और नीचे क्या है 7, इधर का चल रहा है मेरा x, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3500, 3800 में से 300 जाएंगे तो कितना बचेगा 3500, नीचे 7 है, ठीक नीचे क्या है 7, 7 से कट करो 75 3500, यानी कि मेरा बैट आगे कितने रुपए का 500 रुपीज का, लास्ट में आप आंसर लिख दोगे मेरा बैट आया, प्राइस ऑफ बैट कितना है 500 रुपीज और प्राइस ऑफ बॉल कितना है 50 रुपीज। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।